तो हम लोग पांडेकोली ट्रैक से 3 किलोमीटर नीचे आए, तो हमने कमिटमेंट की थी कि हम रास्ते में जितना भी कूड़ा मिलेगा तो हम वो सारा का सारा उठा के लेके आएंगे। तो मैं आदि उपाध्याय और हमारे गुड्डू पांडे, इनका नाम ऐसे अनिल पांडे है, यहाँ मतलब टैक्सी यूनियन में इनकी गाड़ी वाड़ी चलती है, ये हो गए। इन्होंने भी बहुत मेरी हेल्प करी इस सारे कूड़ा को उठाने में, और साथ में मेरा ये छोटा भाई है समीर, इसने भी ये हेल्प करी। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि खून में ट्रैकिंग की कमी है, तो अभी जा रहे हैं हम लोग ट्रैकिंग पे। यार पांडे जी बैठे हुए साइड से, और मैं जा रहा हूँ हमारे पीछे बैठे हुए। अरे पांडे जी हैं, अरे पांडे जी हमारे दिख रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ से हम दोराहाट में हैं, दोराहाट के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से करीब 17 किलोमीटर ऊपर को पहुँचना, अपने यहाँ जाने के बाद हम लोग ट्रैक करेंगे 3 किलोमीटर का पांडेकोली जगह का नाम है। तो मौसम आप देख रहे हैं, चारों ओर लगा है कोहरा और ठंडा हो रहा है, विकेट के मंदिर है, अभी ये क्लोज है लॉकडाउन की वजह से, तो हम लोग यहाँ जा नहीं पाएंगे। तो पांडे जी जा रहे गाड़ी द्वागड़ी के बाद ये टाइम लग गए, और मैं बैठा हूँ इधर कोड्राइवर सीट पे। मंदिर था द्वागड़ी मंदिर, करीब 300 स्टेयर चढ़ के ऊपर मंदिर जाना था हम लोग को, लेकिन वो अभी मंदिर क्लोज है तो वहाँ जाने की परमिशन नहीं है। वैसे तो उत्तराखंड में मंदिर खुल गए थे और सोशल डिस्टेंसिंग करके मंदिर में हम लोग दर्शन कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ मंदिर खुला नहीं है। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से 5 किलोमीटर और आगे कुकुचिना, उसके बाद देखते हैं वाला ट्रैक जो मैं आपको पहले बताया था। और आप बाहर का मौसम देखो, कोहरा लगा हुआ है, मौसम काफ़ी ठंडा है, मौसम इतना ठंडा है मौसम, क्योंकि ये पूरा बाद और गुलास का जंगल है, तो यहाँ जंगल में कमी थोड़ी बनी अच्छी है, इसकी वजह से मौसम बहुत ठंडा है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं जो बेस कैंप है, वो जो टॉप में आपको दिखाई दे रहा है ना ऊपर हाइट पे, वहाँ हम लोग को जाना है। और यहाँ तक ही सिर्फ गाड़ी आएगी, ऐसे गोल घूम जाती है, और ये आपका उसका जो ट्रैक का रास्ता है, जो मेन गेट है वो यहाँ पे है। ट्रैक करके थोड़ी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, क्योंकि वर्कडाउन तो इतना हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि यह देखिए स्वर्गपुरी पांडेकोली दूरी 3 किलोमीटर, तो हम लोग को 3 किलोमीटर के यहाँ से ट्रैक करना है। और मौसम आप देख रहे हैं काफ़ी ख़राब है, मे बी हो सकता है कि अभी बारिश आए, लेकिन मैं छाता लेके आया हूँ अपने साथ और रेनकोट भी है हम पे। फिलहाल हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया, यहाँ से 3 किलोमीटर जाना है हमने, गेट से हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं, और जो मौसम है वो काफ़ी औसम है,
मज़ा आ रहा है काफ़ी, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग अभी स्वर्ग में, क्योंकि आप गर्मी से जब इतने ठंडे इलाके में आते हैं तो यहाँ का मज़ा ही कुछ और है। सांस भी धीरे धीरे फूल ली है, क्योंकि जैसे स्टीप बढ़ते जाएगा तो सांस फूलती रहेगी, तो ऑक्सीजन लेवल में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। भैया हवा हालत होगी है पतली। दोनों भाई चल रहे हैं, मैं भी स्लोली स्लोली चलते जा रहे हैं। 2 किलोमीटर पूरा हो गया हमारा ट्रैक, 1 किलोमीटर और बचा हुआ है अभी। और नीचे जो वैली है, वैली का व्यू देखो आप, ज़बरदस्त है, बस शानदार लग रहा है। चारों ओर देखो आप नज़ारा, अभी हम बादलों से ऊपर हैं और बादल हमसे नीचे, ऐसा मतलब फील हो रहा है। पूरा नीचे ये कुकुचिना दुनागरी के बीच में जितने गाँव हैं वो पूरे गाँव दिखाई दे रहे हैं नीचे। और व्यू देखो आप, और ट्रैक ऐसा है, ट्रैक का रास्ता काफ़ी चौड़ा है, आप आराम से आ सकते हैं। बस थोड़ा लोगों ने यहाँ पे लेज के पैकेट वगैरह फेंके हुए जो नहीं फेंकने चाहिए। और आप ऊपर को देखो कितने ऊँचे ऊँचे पत्थर हैं ये। कई बात नहीं, चलते रहो, अभी मंजिल बहुत खूबसूरत है। पांडे जी खूबसूरत मंजिल के रास्ते कठिन होते हैं पांडे जी, तो चलना तो पड़ेगा तुमको, कैसे ना कैसे सब तुमने 100 रास्ता चला दिया हम लोग को। देखो हालत खराब है पांडे जी की, तो मेरी भी साथ में और पिंकू की भी। 100 रास्ते ला के इन्होंने हमको उसी रास्ते में लाया, लेकिन इनकी मेरी शर्त लगी थी, जो बात हुई अभी हार गए। हाँ तो अभी हम हाले हाथ, मैंने इनसे बोला था कि एक पेड़ गिरा रहता है, तो वो हमारा गेट था, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं वो आएगा, वो बाद में आएगा। देखो यहाँ पर पेड़ गिरा हुआ है, गेट टाइप का बना हुआ है, लेकिन मेरी बात मानी नहीं, अभी शर्त हार गए। हाँ आ जाएगा नहीं। अब तुम नीचे को जाते हमको मैगी खिलाओगे ठीक है सर के मुताबिक होगा। आप देखो यहाँ पर देखो ऐसे पैकेट फेंके हुए, और ये देखो ये हटाई दो। मेरी गुजारिश है लोगों से कि जब आप इधर आएँ तो ऐसे फेंक के ना जाएं, क्योंकि पर्यावरण के खिलाफ है बहुत ज़्यादा। आप देखिए हो कि पूरा वर्ल्ड एक तासीर से अभी ग्रसित है सिर्फ ह्यूमन की वजह से, और हम लोग ऐसे पैकेट यहाँ आते हैं और फेंक के आते हैं। ये जो बिल्कुल एक अनएजुकेटेड मूवमेंट है ह्यूमन का, आप लेके आओ खाओ, अपना कूड़ा अपने साथ लेके जाओ, नीचे जहाँ पे बेस कैंप है वहाँ पर डस्टबिन है, उस डस्टबिन में रख के जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन लोग बात सुनते नहीं हैं। अभी हम लोग जब नीचे को जाएंगे यहाँ से, तो मैंने और पांडे जी ने सोचा है कि जितने पैकेट हैं हम सब लोग उठा के लेके जाएंगे नीचे को जा सकते। तो भैया इतनी सारी चढ़ाई चलने के बाद अब हम लोग सीधे ट्रैक पर आ गए हैं, बिल्कुल अब देखो पैरेलल पैरेलल है रास्ता पूरा, और काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। आप देख रहे हो पूरा व्यू इतना ज़बरदस्त है, अब काफ़ी मज़ा आ रहा है इस ट्रैक पर चलते हुए। पूरा नीचे नमी है, देखो आप पूरी नीचे नमी है, उसके बाद क्योंकि यहाँ बारिश हुई है और अभी मौसम बारिश का बना हुआ है, क्योंकि आधे आसमान में बादल हैं और आधे इसमें धूप आ रही है, लेकिन ये जंगल बहुत ज़्यादा घना है और काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है बर्ड्स की इस जंगल में। तो हम लोग पहुंच गए स्वर्गपुरी पांडगुली के प्रवेश द्वार में, यह है प्रवेश द्वार, और यहाँ पे एक छोटा सा तालाब है, मतलब पानी इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है। यह है स्वर्गपुरी पांडगुली। Thank you.
यहाँ पे थोड़े कीड़े हैं, थोड़े अलग टाइप के हैं। देखो मेरे यहाँ पर काट दिया, खून आ रहा है, अब हल्की खुजली हो रही है। जो मक्खी है ना, ये जो मक्खी है काट रही है और इसकी वजह से खून आ रहा है। पांडे जी तुम्हारे कहाँ पर आ रहा है? पांडे जी के यहाँ पर काटा हुआ है। अभी हम लोग कुछ देर बैठे हुए थे तो ऐसे काटने में लगे हुए। ये देखो मेरा इतना अभी तक ब्लड निकल चुका है और ऊपर है, अभी मंदिर काफ़ी दूर है। तो है स्वर्गपुरी पांडकोली पद ब्राह्मण संघ रानी खेत, स्वर्गपुरी पांडकोली। ग्रीष्म काल 5 बजे और 7 बजे तक खुलेगा। तो ये है इसका, देखो आप व्यू देखो चारों ओर का कितना ज़बरदस्त है। और साथ में स्वर्गपुरी पांडकोली, तो पांडवों ने बनाया था यहाँ पे मंदिर पूरा। यहाँ पे बाबा जी का आश्रम है और 5 पांडव उस साइड पे, और यहाँ पे बाबा महंतगिरी का भी टेंपल है। कुछ टेंपल ये हैं और रहने के लिए नीचे यहाँ पे आश्रम है। ऐसा कोई मतलब फिर उसके कॉस्ट नहीं है, आपको आश्रम में अपनी सुविधा के हिसाब से पैसा डोनेट करना है, बस हो गया। ये बाबा महंतगिरी का मंदिर है, हाँ बाबा बलवंतगिरी महाराज महंत। अखरोट का पेड़ लगा हुआ है। ये पूरा उधर भी एक धर्मशाला, उधर भी बना हुआ है रहने के लिए। और ये ऊपर एक टावर है, जिस टावर से मतलब पूरा मंदिर का और ऊपर चारों ओर का नज़ारा देखा जा सकता है। हम लोग टावर में चलेंगे नहीं क्योंकि थोड़ा मेरा वेट ज़्यादा है ना, होता कि कहीं सीढ़ियों में, कहा कि आराम आराम से जाना, मैं ऊपर चढ़ता नहीं, इसलिए डर लग रहा है। चलो नमो नारायण करो, नमो नारायण करो, एक बार और अच्छी तरह रुक जाओ, जरा सा जरा सा जरा सा नमूना है, नमूना करो, नमूना है। हाँ करता कुछ नहीं, की आदत होती चाटने की ना। आ जाओ, ये देखो इनको बोलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलो। हेलो हेरा, हाँ हाँ, तीन लोग आ आ आ आ आ। तो हम लोग पांडकोली ट्रैक से 3 किलोमीटर नीचे आए, तो हमने कमिटमेंट की थी कि हम रास्ते में जितना भी कूड़ा मिलेगा तो हम वो सारा का सारा उठा के लेके आएंगे। तो मैं आदि उपाध्याय और हमारे गुड्डू पांडे, इनका नाम ऐसा अनिल पांडे है, यहाँ मतलब टैक्सी यूनियन में इनकी गाड़ियाँ चलती है, ये हो गए। इन्होंने भी बहुत मेरी हेल्प करी इस सारे कूड़ा को उठाने में, और साथ में मेरा ये छोटा भाई है सवीन, इसने भी ये हेल्प करी। लेकिन हाँ, तो मेरी आप लोग सब लोगों से ये गुजारिश ये है कि अगर हम जाते हैं किसी ट्रैक पे तो हम लोग इतने अपने लिए खाने पीने का आइटम ले जाते हैं, वो तो ले आना जरूरी है, लेकिन हम जो पानी की बोतल हैं और जो हमारे ये चिप्स के पैकेट हैं, चॉकलेट के पैकेट हैं, ये सब हमको अपने साथ लेके आनी चाहिए, और नीचे कहीं जहाँ पे कूड़ादान हो वहाँ हमको फेंकना चाहिए। तो ये मतलब मैं आपको एक वो वैसे मैं कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग साफ सफाई करने गए थे या कुछ, लेकिन ये है कि हर जो ट्रैकिंग करता है बंदा या जो बंदा पहाड़ी है, क्योंकि हम लोग द्वारहाट के रहने वाले भी हैं सब लोग, तो हम लोग का मतलब ये है कि अपने एरिया में साफ सफाई होनी चाहिए। बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए, फिर वो भी अगर यहाँ आके गंदा करेंगे, अगर साफ कर होगा एरिया तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।